नजर आएंगी। क्लच गॉड को हाउएवर बहुत जल्द हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है, सो आई थिंक थोड़ा सा खोजबीन उसके ऊपर भी करी जाए तो बेहतर रहेगा। एंड वेल सरकार यहाँ पर काफी अच्छे से शॉट्स कनेक्ट करने में कामयाब हुए जरूर थे, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू रिजल्ट इनटू एनी फिनिशेस, रादर वो खुद यहाँ पर फिनिश होते हुए नजर आएंगे। एंड अब रेन गॉड भी उनका साथ निभाने में कामयाब नहीं रहेगी। अब देखिए सरकार एंड रेज गॉड दोनों के पास कोई भी थ्रोएबल नहीं था, ना ग्रेनेड ना स्मोक जिसका वो यूज करके गॉटले के प्लस में कोई दिक्कत क्रिएट कर सकते। एंड रेज गॉड के पास तो कोई हेल्थ किट भी नहीं है, बैंडेजेस भी नहीं है, काफी लो एचपी पे आ चुके हैं। बट द थिंग इज गुड थिंग टीम एक्स पार्क यहाँ पे आ चुके हैं एक थर्ड पार्टी करने के लिए। एंड टीम गॉड लाइक यहाँ पे क्लच गॉड जो है ग्रेनेड के द्वारा रेज गॉड को फिनिश करके हैदराबाद हाइड्रास को तो एलिमिनेट कर दिया गया। इस तरीके से पुकार अपनी मिनी के साथ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, प्लस पे ताक लगा के बैठे हैं। क्लच गॉड को संभालना पड़ेगा क्योंकि पुकार को एक भनक लग चुकी है कि वेयरहाउस में एक प्लेयर मौजूद है। एंड ये जो मिनी के हाथ में ना क्लच गॉड को काफी दिक्कत दे सकती है। गॉडलाइक को कोई भनक नहीं है अभी तक कि टीम एक्सपार्क इतनी नजदीक आ चुकी है। आदित्य, स्काउट, ओपी, सरांग, पुकार, चार दिग्गज प्लेयर है ये। जी बिल्कुल, ये चारों के चारों दिग्गज अब बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं टुवर्ड्स अ फाइट, जो कि खैर सरांग को यहाँ पर निकालने की जरूर से कोशिश की जाएगी। एंड वेल क्लच गॉड के ऊपर ऑलरेडी स्प्रे आता हुआ काफी अच्छे से कनेक्ट भी होगा। एंड पुकार यहाँ पर उनके अंत को पुकार देते हुए नजर आएंगे। एंड क्लच गॉड विल बी टेकन डाउन, नॉक हो चुके हैं। फिनिश कन्फर्म करने के लिए आदित्य को यहाँ पर भेजा जरूर जा रहा है। एंड इन द मीनवाइल गॉडल अपने प्लेयर्स को एक के बाद एक गवाती हुई नजर आएगी। स्काउट ओपी भी यहाँ पर एक और प्लेयर को नॉकडाउन करने में कामयाब होते हुए। जोनाथन अकेले दिग्गज बचे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ गॉडल। एंड उनके लिए भी चीजें कोई खास सुहानी सुबह जैसी अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। ऑन द मैप ऑफ इरेंगल, जहाँ पे हम ऑलरेडी इन्हें बता चुके हैं कि इन्हें डबल प्लेसमेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ये लड़े ही जा रहे, रुक ही नहीं रहे। Godlike versus Team Expa, Godlike के मात्र एक Jonathan बचे हैं जो Z God को revive देना चाहेंगे। Scout के पास अभी फिलहाल मात्र तीन smoke है, grenade and molotov खत्म हो चुके हैं, but DBS उनके हाथ में है। जिस तरीके से Scout आगे बढ़ रहे हैं, उनको पता है exactly कहाँ पे players हैं Godlike के। revive का process start हो रहा है, एक pre-fire के साथ देखेंगे द्वारा आगे बढ़ेंगे। रिवाइव तो मिल चुका है जी गॉड को, बट क्या काफी होगा? एक 2v4 का सिनेरियो, जोनाथन यहाँ पे ग्रेनेड से स्काउट को डैमेज देना चाह रहे थे बट कोई डैमेज नहीं मिल पाया। पीछे से अगर बात करें सरांग भी आगे बढ़ते हुए, आदित्य को हल्का सा डैमेज तो यहाँ पे जरूर मिला है, बट जोनाथन एंड जी गॉड विद नो हीलिंग्स, नो थ्रोएबल्स, गॉड लाइक अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर चुकी है। जी गॉड के पास कोई एचपी नहीं है और 2v4 सिनेरियो, आदित्य एंड जी गॉड इन क्लोज फ्रंटल बैटल। डीपी के साथ क्या जोनाथन प्लेयर को नॉक कर पाएंगे? पीछे से स्काउट भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बट सरांग का नेड आएगा, जी गॉड को इंस्टेंट नॉक किया जाएगा। एंड इसके साथ गॉडले की पूरी टीम को फिनिश ऑफ करते हुए टीम एक्सपार्क तीन फिनिश पॉइंट्स